अपडेट्स वाले तो मुझे आप इसका बता दो, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे कल शाम 9 बजे इसके लिए कॉल आई थी हमें, इसका कल ही एक्सीडेंट हुआ है और अभी तो खैर ये प्रेग्नेंट लग रही है, तो सर चेक कर रहे हैं उसको। थन देख के लगा आपको सर पीछे वाला हिस्सा? हाँ, ये बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी सर। ओके, इस बारे में मैं ज्योति से बाद में बात करूंगा और आपको नेक्स्ट अपडेट में हम इसका बताएंगे या पहले वीडियो बना के दे देंगे। हे बाय द वे, इसका नाम हमने रखा है वीकेंड। नहा लिया ये वीकेंड फ्राइडे को? ठीक है, मुझे आप सबसे पहले तो ये बताओ, हमने इतने सारे जो रेस्क्यूज करे, जो इसका कल हमने अपडेट बताया था, उसकी जगह बनाने के लिए आपने जो रिलीजेस करी हैं, हाँ, वो भी बता दो। इस हफ्ते हमने 6 रिलीज करे हैं, जिसमें पैकमैन, जामुन। जामुन कोई रिलीज नहीं है, मैं आपको जामुन की कहानी बताता हूँ क्यों वो रिलीज नहीं है। हाँ, आंटी जी, उसके बाद स्पार्क रिलीज हो गया जो मंडी से हमारे पास आया था, छोटा भूत रिलीज हो गया। स्पार्क का तो वो था ना जो पिन निकल गया था, पिन निकल गई थी, उसके बाद उसकी सर्जरी होनी थी लेकिन वो खुद ही कैलस फॉर्म हुआ। पैर थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन वो स्टेबल कंडीशन में है, उसको कोई पेन नहीं था, चल फिर रहा था, फिर हमने उसको रिलीज किया। वहाँ पे उसका कोई केयरटेकर है? सोहन खुद आए थे जो मंडी से उसको रेस्क्यू करके यहाँ लेकर आए थे। बाकी की रिकवरी भी बता दो। आंटी जी, आंटी जी जिसके शोल्डर में एक वुंड था वो रिलीज हो गए, उसका पूरा वुंड हील हो चुका था। फिर हमने लास्ट में छोड़ने से पहले जिंक ऑक्साइड का पेस्ट लगाया ताकि थोड़ा भी और अगर मक्खी बैठे फिर से कोई घाव क्रिएट ना हो उस जगह पे। वहाँ कोई देखने वाला है? देखने वाले हैं वहाँ पे, वो खुद आए थे। देखने वाले में तो भाई बड़ा वो हो जाता है ना कि जस्ट इन केस कोई रिलैप्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई हमें बता देगा। Okay. तो वो एक अच्छी हेल्प हो जाती है हमारी। छोटा भूत रिलीज हो गया, उसकी रिकवरी पूरी हो चुकी थी। उसके कान के ऊपर और एक गले के पास उसको एक वुंड था जो कि हमें डॉग बाइट लग रहा था। वैक्सीन भी पूरी हो गई थी, वुंड भी पूरा हील हो चुका था, वो भी रिलीज हो गया अपने एरिया में। फिर पैकमैन, जिसके केयर टेकर्स तो 5-6 घर हैं वहाँ पर, बस उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो दर्द में थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था, उसका भी वुंड अच्छे से हील हो गया था। अब आप रिलीज कर रहे हो तो उसमें जो कॉलर पे नाम लिख के रिलीज कर रहे हो? नाम भी लिख रहे हैं और साथ ही में हम जिप लॉक भी लगाते हैं ताकि कोई उनका कॉलर ना निकाल ले, क्योंकि मोस्टली डॉग्स के कॉलर गायब रहते हैं। मेरे हिसाब से 3 चीज लिखी होनी चाहिए, पीपल फार्म, हाँ जी, हमारा नंबर, हाँ, और एनिमल का नेम। जामुन की क्या कहानी है आप ये डायरेक्ट बता ही दो। एक्चुअली जामुन जब हमने रिलीज किया उसके कुछ दिन बाद ही वो फिर मॉर्निंग में बाजू वाले घर में बैठा हुआ था ताकि जैसे ही 9 बजे हमारा गेट खुले और वो एंट्री कर जाए। तो हमने पहले दिन उसको लिया, फिर मैंने गाड़ी में उसको बस नूर जहाँ से वो यहाँ तक आता है वहाँ पर ड्रॉप करवाया ताकि रास्ते में उसको कोई डॉग अटैक ना करे। नेक्स्ट डे फिर वो मॉर्निंग में आ गया, ज़बरदस्ती घुस जाता है 4 लोगों के बीच में से, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि स्पॉट से उसकी लड़ाई नहीं हुई, दोनों एक दूसरे को देख कर घुराए ज़रूर लेकिन अटैक किसी ने नहीं किया। तो हम अभी ये प्लान कर रहे हैं कि हम इन डॉग्स को इंट्रोड्यूस करा दें, अगर जामुन आता जाता रहता है तो कोई इशू ना हो। एक और भी तो रिलीज हुआ, रामनाथ। हाँ हाँ, रामनाथ बिल्कुल, रामनाथ को तो भूल गए आप। सर बहुत सारे रिलीज हुए ना। उसको हमने धर्मशाला के पास से रेस्क्यू किया था, उसके पीछे वाले पैर में जो इंजरी थी वायर कट के वजह से जिसमें बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, वो काफ़ी समय हमारे पास रहा तो उसकी पूरी हीलिंग करके हमने उसको रिलीज किया क्योंकि वहाँ पर हमें केयर टेकर का कोई अंदाज़ा नहीं था। ग्रेट। और जो हमने लेटेस्ट अडॉप्ट किया राजा, वो होगा सर कहीं पे छांव में बैठा होगा, उसका कुछ पता नहीं होता भाई। रात को तो वो वैभव क्या होता है, मैं रोज सोचता हूँ मैं मिलने जाऊंगा पर रात तक मैं ढेर हो चुका होता हूँ। अगर वो भी नहीं, किधर है? उधर है, उसको ढूंढते हैं। मुझे यार गौतम का बता दो, गौतम की तबीयत कल से बेटर हुई है या? बेटर नहीं हुई है क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा है, आज उसकी फ्लूइड थेरेपी फिर से शुरू करनी पड़ेगी हमें। 3 से 4 दिन पहले भी उसकी फ्लूइड थेरेपी चला रखी थी लेकिन उसने शुरू कर दिया था तो बंद हो गई थी, अभी फिर उसने कल खाना। सॉरी, उसने क्या शुरू कर दिया था तो बंद? खाना खाना शुरू कर दिया था, सॉरी, तो फ्लूइड थेरेपी बंद कर दी थी लेकिन अभी फिर उसने कल दिन भर कुछ नहीं खाया तो उसकी फ्लूइड थेरेपी फिर शुरू करनी है हमें। तो ये और इसका जो पड़ोसी वो जो जर्मन शेफर्ड है दोनों ही, लेकिन उसकी रिकवरी है। जर्मन शेफर्ड खाना शुरू कर चुका है अभी, उसको मैंने निकल एक सेकंड मुझे बात तो सुन लेने दे, मैं एक बार देखती हूँ अगर वो निकलता है। वो निकला भी था बाहर, देखो देखो देखो। राधा, अब तक आप जब तक ज्योति इसको निकाल रही है आप राजा को लेके आओगे? एक सेकंड, आ जा। पहले तो वो चल भी नहीं पा रहा था जब वो आया था लेकिन अभी बेटर है। कल तो मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी कल से, कंफ्यूज लग रहा है, इट्स लाइक कि मुझे क्यों उठा दिया तुमने। हे आ गया राजा, हेलो। तो ये क्लिनिक में था? ये जो भी हमारे सारे सुंदर जानवर हैं अपने आपको क्लिनिक में रखते हैं अपने आपको मेंटेन करने के लिए, चाहे वो स्लीपिंग ब्यूटी हो। बाय द वे, स्लीपिंग ब्यूटी ने तो सुंदर की तरह गोल 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 घूमना। हाँ सर, वो एक तो ओल्ड एज भी है ना तो वो लेकिन
आईज वाइज के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि बेटर हुआ है, लेकिन जैसे वो पहले दिन आया था वो 2 से 3 दिन लगातार सिर्फ सोया है, सिर्फ रेस्ट किया है उसने, अभी थोड़ा बेटर हुआ है, थोड़ा घूमता फिरता है, आईज की ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई है। सेम लेनोमैक्स? नहीं सर, लेनोमैक्स कैटरैक्ट नहीं है उसे। अच्छा हाँ राइट राइट, उसका तो इन्फेक्शन है। सॉरी, जो घोड़ा है उसकी एक आंख में कैटरैक्ट है ना, इतना दर्द है उसके पीछे वाले पैर में, इतनी सूजन अभी भी कम नहीं हुई है, हालांकि हम TID उसकी पेन किलर्स चला रहे हैं, TID 3 times a day, लेकिन अभी भी कोई स्वेलिंग कम नजर नहीं आई है। तो इनके लिए हम कोल्ड प्रेस हॉट प्रेस नहीं कर सकते? हमने ये ट्राई किया है, जैसे आपके इतने आइस पैक्स हैं, हाँ अगर हम आइस पैक ट्राई करें थोड़ी। ये मेरे दिमाग में आया नहीं था, मैं कोशिश जरूर करते हैं ना, पीछे से ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि उछलने की कोशिश करता है, उससे उसको ज्यादा पेन होती है ना, तो ये थोड़ा सा देख के हम करते जरूर हैं आज से। हाँ, घोड़े एक तो ना बड़े फ्लाइटी से होते हैं, उनको टच करो तो ऐसे होते हैं, वो फटाफट घूम के लात मारने की धमकी भी देते हैं। एक चीज जो मैं चाहता था आपसे मैं पूछूं और व्यूअर्स को हम बताएं कि जो वीकेंड का ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे हो? सर उसके लिए तो हम मेडिकेटेड बात कर रहे हैं 2x a week, उसके अलावा उसको कोकोनट ऑयल प्लस एलोवेरा का मिक्सचर उसको रोज अप्लाई करते हैं। ये तो आप घर में बना सकते हैं, हमने एलोवेरा लिया, उसकी लीफ छीली, शिवानी ने अपने चैनल पे उसको मेंशन भी कर रखा है कैसे जेल बनाते हैं, उसको तेल में लिया, ब्लेंड किया, हाँ, और उसके बाद वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, उसको फ्रिज में रखना होता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो उसके अलावा हम उसका इंजेक्शन 1x a week चला रहे हैं डोरामेक्टिन, उसको अच्छी डाइट दे रहे हैं, मल्टीविटामिन सिरप्स दे रहे हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, तब वो जल्दी हील होता है और दोबारा रेकर ना हो, इसलिए भी ये चीज़ नहीं तो बस तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, और इसकी महारानी की प्रेगनेंसी हाउ इज़ इट कमिंग अलॉन्ग? अभी तक तो ऐसी कोई मेरे को बस दिन पास आ रहे हैं रेस्ट करती है अभी ये मोस्टली दिन भर। वाओ, आई डोंट नहीं, जेलस मेरे को लगता है, ये आप रहते हो तो थोड़ी सी जेलस हो जाती है इस वजह से, ये अदरवाइज ये दिन भर बस बैठी रहती है। मेरी लाइफ में जेलसी ने बहुत मुसीबतें पैदा करी है। एक मेरे को गुरु ही बता रहा था कि कोई लोग आए थे जो अपने पेट को लेके आए थे, यहाँ छोड़ना चाह रहे थे या शायद आपकी हेल्प चाह रहे थे, वो क्या माजरा था? वो लोग यहीं पास के गांव से ही थे, उनका बच्चा है जिसकी जिद पे उन्होंने एक डॉग खरीद लिया था, ठीक है, गोल्डन रिट्रीवर है ना, जो उनके हस्बैंड है वो दिन भर मतलब घर पे नहीं रहते, उनका काम ऐसा है कि उनको ट्रैवल बहुत करनी पड़ती है, तो वो उस डॉग में एनर्जी इतनी है। सर ये इतना हाइपर है ना, इसमें पावर इतनी आ गई है ना कि उस वजह से अब मेरे को ये डॉग देना है। उनका बेटा हैंडल कर नहीं पाता, उनकी जो मदर है वो जॉब पर रहती हैं, तो ऐसे में बच्चे को कोई चोट ना आ जाए, हालांकि उन्होंने पाला अच्छे से, लेकिन वही कि मैम ये इतना एनर्जी वाला है कि अगर किसी दिन इसको कुछ हो गया तो हम भी क्या ही करेंगे फिर, ऐसा तो वो किसी अच्छे घर में उसको अडॉप्ट करवाना चाह रहे थे। तो आप उनके लिए हेल्प कर रहे हो? हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। तो हमने फोटोग्राफी वगैरह करी, आई थी सर, वीडियोस वगैरह उसके हमने लिए हैं, वो बस वही है कि कोई ब्रीडर हमें कॉल ना करे, इसलिए हम नहीं तो हम न्यूटर तो करेंगे ना। हाँ हाँ, मैंने उनको सबसे पहले यही बोला है कि आप इसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करिए, इसको न्यूटर कराइए, एक दिन लाकर वो कराएंगे पहले और उसके बाद ही फिर उसके अडॉप्शन। तो एक दिन क्या उनको कहो कि लाएं न्यूटर कराएं घर ले जाएं, मीनवाइल हम घर ढूंढ लेंगे, और वो एक्सचेंज में इंटरेस्टेड है, उनको लो एनर्जी कोई हम अपना जैसे ओल्ड एजेड डॉग जो कोने में बैठना पसंद करता है। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा ऐसा, इसलिए मैंने बोला भी नहीं उनको। देखिए मैं तो ये डॉग्स खरीदने के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, कोई भी एनिमल खरीदने के अगेंस्ट हूँ, और ख़ासकर अगर आप बस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने ले आते हैं, मतलब वो तो वो हमेशा लगभग इसी तरह एंड होता है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे उन्होंने डॉग को अच्छे से पाला, और ऐसा नहीं है कि वो निकाल रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदारी अभी भी निभा रहे हैं, मतलब गलती तो हर किसी से होती है, पर अब उस गलती को सही से हैंडल करना, आई कैन रिस्पेक्ट दैट। सर एक थोड़ा सा बैड न्यूज़ था, नरगिस क्योंकि उसको थोड़ा सा फिर से स्किन कंडीशन शुरू हो गया है, उसका मेन कारण यही है ना सर कि ये जो डॉग्स होते हैं वो ऐसे एरिया में नहीं रह सकते, आप क्लिनिक में कोशिश करेंगे कि उस डॉग को कंटिन्यूस हेल्दी रखें हम, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो अगर उसको कोई अच्छा घर मिल जाता है तो वो उसकी रिकवरी और बढ़ती, पूरी रिकवर तो नहीं होती, उसकी हेयर ग्रोथ हो गई थी लेकिन अब वो फिर वापस डाउन हो रही है, तो मैं वही है कि हम यहाँ पर ब्रीड डॉग्स को कोशिश करेंगे कि भाई वो यहाँ साल साल भर रह ले क्लिनिक में और हेल्दी भी रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो देखिए आप हमारी हेल्प करने के लिए वीडियो तो हमारे शेयर करते ही हैं, कोशिश करिए कि जो हमारे डॉग्स हैं peoplefarm.org/adopt पे उनके लिए भी आप घर ढूंढें।